कटाची आमटी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है सूखी नारियल। ये बहुत ही हार्ड है तो हम इसे अब सॉफ्ट करेंगे। ऐसे गैस के ऊपर रख दे और थोड़ा सा रोस्ट कर ले। पूरणपोली की रेसिपी में कटाची आमटी की रेसिपी जो है वो स्किप हो गया था तो मैंने इसे अभी अपलोड कर दिया है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। देखिए इसे ऐसे रोस्ट करने के बाद गैस का फ्लेम जो है वो बंद कर देंगे और नारियल को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे थोड़ा सा। फिर से गैस का फ्लेम ऑन करके इसके ऊपर ऐसे पतीला रख देंगे। इसी में एक बड़ा चम्मच जितना तेल डाल दें, दालचीनी का टुकड़ा, आधा छोटा चम्मच जितना साबुत धनिया, 4 से 5 लौंग, 7 से 8 काली मिर्च, इन सभी मसालों को हमें रोस्ट करके लेना है। रोस्ट करने के लिए हमें यहाँ पर 1.5 मिनट लगेगा। देखिए अब ये अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसे मिक्सिंग जार में निकाल देंगे। रोस्ट किया हुआ जो नारियल था उसका जो ऊपर ऐसे ब्लैक हो गया था उसे मैंने निकाल दिया है। इसके अब छोटे छोटे टुकड़े करके इसे मिक्सिंग जार में डाल देना है। अदरक और लहसुन भी डाल दें। लहसुन की मैंने यहाँ पर 5 कलियाँ ली हैं। ढक्कन लगाकर पीस लेना है। देखिए अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, फिर से इसे पीस लेंगे। देखिए ऐसे ही फाइन पेस्ट होना चाहिए। फिर से हम वही पतीला गर्म करने के लिए रख देंगे। उसी में एक बड़ा चम्मच जितना तेल डाल दें, आधा चम्मच जितना जीरा और राई डाल दें, करी लीव्स, जो हमने मसाला बना के रखा था वो मसाला भी डाल देंगे। अब हमें मसालों को तेल में अच्छे से रोस्ट करके लेना है। मसालों का कलर चेंज होने तक हमें तेल में पका लेना है। अब चेंज हो गया है, इसी में हम डाल देंगे घर पर बनाया हुआ मसाला मिर्च पाउडर 1.5 चम्मच जितना, 1 चम्मच जितना कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चुटकी जितना हींग डाल दें। इन्हें भी हमें मसालों के साथ अच्छे से मिला देना है। मिला देने के बाद हमें यहाँ पर 1 कटोरी जितना गर्म पानी डाल देना है। ध्यान रखिएगा कि हमें यहाँ पर गर्म पानी ही डालना है। मिक्सिंग जार में हमने जो दाल पीसा था उसी में हम पानी डाल देंगे और जो बचा हुआ दाल का पानी था वो भी हम इसमें डाल देना है। देखिए अब हमें जितना चाहिए आमटी उतना हम पानी डाल देंगे। यहाँ पर आप ठंडा पानी डालेंगे तो भी चलेगा। स्वादानुसार नमक डाल देंगे, इमली का पानी भी डाल देंगे। अब हमें आमटी में उबाल आने तक पका लेना है। जब उबाल आ जाएगा तभी हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे। देखिए बन गई हमारी कटाची आमटी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।